समाज से होता है। शिक्षा समाज के लिए है, शिक्षा व्यक्ति के लिए नहीं है। शिक्षा समाज के लिए है और भाषा समाज की संपत्ति है। भाषा समाज की संपत्ति है, इसलिए समाज की संपत्ति का हम कैसे उपयोग करेंगे यही एनईपी 2020 सिखाता है कि हम अपना जो रिसोर्स है, अपनी जो संपत्ति है, उसका हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो हिंदी का संदर्भ है आज, भारत की भाषा है हिंदी, हिंदी का हम कैसे उपयोग करेंगे। हिंदी को हम सब जानते हैं कि ये कभी राष्ट्रभाषा थी, कभी राजभाषा बनी, फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी, आंचलिक भाषा बनी, फिर संपर्क भाषा है। इसके अलावा हिंदी का जो सबसे बड़ा परिचय है अपने देश में वो है हिंदी जन भाषा है। तो इस जन भाषा का उपयोग हम जनता के लिए हमें करना है, जिन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाती। जो सबसे बड़ा काम जो हमारे विश्वविद्यालय में निर्झरणी मैडम के द्वारा हुआ है, सिर्फ 3 गांव में हमें प्रवेश मिला है और हम आम लोगों से मिले हैं। मुझे यह काम करते हुए लगभग 7-8 साल हो गए हैं। मैं पश्चिम बंगाल में यह काम करता था, एक बीएड कॉलेज में था, मैं हिंदी शिक्षण संस्थान था, उसमें डायरेक्टर। तो यहाँ जिस प्रकार हम यहाँ बच्चों को दे रहे हैं,